तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी गोल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं गया हुआ था कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेट, गुजरात गया हुआ था। तो वहां पे मैं एक एक्वेटिक गैलरी विजिट करके आया था। तो वो भी मैं वीडियो एडिटिंग करना बाकी है, उसके बाद फिर वो भी वीडियो में एक एडिट करके अपलोड करूंगा। बट अभी मैं जो वहां से आया हूँ, उसके बाद क्या क्या हुआ है एक्वेरियम का वो शेयर कर देता हूँ। तो इस टैंक में तो अभी तक सही है, प्लांट्स चल रहे हैं। इसमें भी लाइट्स ऑफ थी 4 से 5 दिन, तो इसमें प्लांट सही चल रहे हैं। और इसमें जो मैंने 2 फीमेल्स छोड़ रखी थी, उन्होंने पूरे जो इसमें मॉस्किटो लार्वा जो रखे थे उसको कर दिया फिनिश। तो अभी मैं फीडिंग के टाइम है मॉर्निंग का, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लो थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बना के। तो इसमें फीडिंग करता हूँ पहले। तो इनको जो मैं इसमें मेरे फाइटर फिश की फीमेल है, ये आपको दिख रही होगी, तो इसको मैं ये फीड कर रहा था। पहले भी आपको दिखाया था फ्रीज ब्लड वॉर्म्स, तो निकालता हूँ, फीड करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो इसमें तो मैंने फीड ऊपर डाल दिया है। अभी इसमें मैं रिंग भी लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने फ्लोटिंग प्लांट्स डाल रखे डकवीट। तो ये इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो फाइटर फिश थोड़ी लेजी है, ये फीमेल बहुत धीरे जाके खाती है। इसमें भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा डकवीट इसमें से भी हटा के। और इसके अंदर तो मैंने कोई जो हीटर ऐड नहीं कर रखा, बाउल में तो ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा इसमें जो श्रिम्स है, और इसमें भी ऐड नहीं कर रखा, लेकिन आराम से रह रही, क्योंकि रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता। तो दूसरे टैंक की तरफ चलते हैं, वहां पे फीड कराते हैं उनको, दिखाते हैं वहां पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। तो ये मेरा दूसरा जो गप्पी फिश का टैंक है, इसमें मेरे लॉस ये हुआ है कि मैं गया हुआ था, पता नहीं मेरे को रीजन तो पता नहीं कैसे क्या। तो ये इसमें एक मेरी ये गप्पी फिश, ये इस पे चिपक रही आपस में, और एक कॉरिडोर, ये दोनों पता नहीं कैसे मर गई। बाकी तो इसमें ठीक लग रहा है सारा, बट इसमें एक और दिक्कत ये है कि इसमें मेरे को जो ये कॉरिडोरस है, ये मेरे को 2 ही दिख रही, तीसरे वाले भी नहीं दिख रहे। इसमें टोटल 4 थी, तो उसका भी सर्च ऑपरेशन देखेंगे, ढूंढेंगे किधर है, बाद में ढूंढूंगा। इनका फीड करा देता हूँ, मॉर्निंग टाइम है तो इनको फीडिंग कराता हूँ। तो अभी वही मॉर्निंग की फीडिंग दे देता हूँ इनको। तो बाकी इसके अंदर ठीक चल रहा है, लेकिन ये जो फाइटर फिश है, ये फीड तो कुछ ले नहीं रही इसके, मतलब मुंह के पास भी लेकर आऊँ तब भी कोई फीड नहीं ले रही, बट अभी तक सरवाइव कर रही है कैसे ना कैसे। तो इनको मैं फीड डाल देता हूँ। तो इनको मैं जो पैलेट्स फूड है, ये इसको पूरा बारीक पीस के डालता हूँ, क्योंकि इनका थोड़ा क्या मुंह छोटा होता है गप्पे फिश का। तो या तो आपके पास माइक्रो पैलेट्स हो, या फिर आप ऐसे पीस सकते हो। तो पहले इसका फिल्टर और पंप बंद कर देता हूँ, जिससे कि जो दाना है ये इजीली खा सके। तो इसके ऊपर जो मेरा एक कैनोपी, इसके अंदर ऐसे छोटा सा ही होल बना रखा है, इसके अंदर से डालता हूँ मैं। तो ये सब हो गए खाना शुरू, तो ये सब खा रहे हैं। और तो बाकी तो इसके अंदर सही चल रहा है, बट इसके अंदर से मैं बहुत से जो अप्रोक्स 20 से 25 मेल और ऊपर जो मेरे फीमेल्स हैं, मतलब 20 से 25 पेयर, मैं शॉप पे सेल करके आऊंगा, और उनकी जगह देखता हूँ कोई इम्पोर्टेड गप्पी फिश आ रखी होगी तो वो लेके आऊंगा। तो चलिए ऊपर वाले पॉन्ड की तरफ चलते हैं, उधर भी देखते क्या हाल चाल है मछलियों के। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो मेरे पास है फिशेस के अलावा। यहाँ पे मेरे को ये केज है, इसको पूरा कवर करके रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है बिल्लियाँ और फिर इनको करती है परेशान। तो ये बैठे हमारे मेल सर, इसमें बॉक्स में फीमेल है, उन्होंने ब्रीड कर रखे बच्चे होंगे इसके अंदर, दिखाता हूँ भी। और ये इन्हीं के बच्चे हैं, तो बच्चे दिखाता हूँ, सोचा ये भी आपको दिखाई दे। तो इसमें फीमेल है, ये फीमेल निकल गई है, थोड़ा फ्लैश ऑन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं लवबर्ड्स के बच्चे हैं, अब देखते कौन से कलर के निकलते हैं। लेकिन इनको मैं हैंड फीड के लिए उठाऊंगा। तो जिनको नहीं पता कि हैंड फीड क्या होता है, तो हैंड फीड का मतलब ये होता है, जैसे अगर फीमेल या मेल ढंग से जो अपने फ्लाइज को फीड नहीं कराती है, तो उस टाइम पे मतलब इंजेक्शन के थ्रू उनके मतलब हमको हाथ से उनको खिलाना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू, जिससे वह एंटेम भी अच्छे हो जाते हैं। तो
उनके लिए इन फ्राइज को आज मैं निकालूंगा, तो अगर हो सका तो शेयर कर देंगे, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो बताना। और ये मेरे दोनों पॉन्ड, इनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी का लेवल कम हो चुका है, और फीमेल्स तो सारी ऊपर आ चुकी है, ये देखिए फीड लेने के लिए। और ये वाले ग्रेटर डकवीड, हमारे यहाँ पे एक तालाब था उसके अंदर थी, तो मैं लेके आ गया था। मैं देखते हैं, डाल के देखते हैं ग्रेटर डकवीड ये क्या, बट ये ग्रेटर डकवीड है, और इसमें भी थोड़ा डाल गया था, तो अभी देखते हैं कैसा है। तो अभी इनको भी थोड़ा फीड रहता हूँ। इसके अंदर मैंने जो है, मेरे पास जो गप्पी फिश के मेल थे सेम वेराइटी के, वो तीन उधर घूम रहे हैं, ये भाग जाते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल, मतलब ब्लैक है टॉप, तो इसलिए दिख नहीं रही। तो इसमें भी इनको फीड कराता हूँ, इनको भी वही फीड कराता हूँ मैं, जो बारीक जो पिसा हुआ दाना रहता है, तो ये फीड करा देते हैं। तो मैं मतलब अपने मदर के इसको छोड़ के गया था, मम्मी डाल देती है इसके अंदर फीड, सबके अंदर मम्मी डाल देती है, मतलब काम चल जाता है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए मैं जा नहीं सकता कहीं पे बाहर, क्योंकि अभी जैसे देख सकते हैं 5 दिन के लिए गया, तो अब पता नहीं रीजन, तो मेरे को भी नहीं पता कैसे क्या। मेरी वो फिश दोनों की दोनों, पर देखते हैं और के कॉरिडोर हुई वो लेके आएंगे। तो अभी नीचे वाली फिश है मेरी, उनको फीड कराता हूँ, इनका फीड हो चुका है, और मॉर्निंग देख सकते हैं आप, पूरी पूरा यहाँ पे फॉग हो रखा है हमारे सिटी के अंदर। तो चलते हैं अभी नीचे वाले उसके अंदर फीड कराते हैं, बट उससे पहले जो है ये फिशेज है, इनको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, जो छोटी फिशेज की डेथ होती है उनको ऐसी जो गमले हैं उसके अंदर गाड़ देता हूँ, जिससे कि उनकी बॉडी डीके भी हो जाती है, और मतलब एज अ फर्टिलाइजर प्लांट में काम भी हो जाता है डीके होने के बाद। इसके अंदर दोनों गई, एक गई दूसरी गई, तो ये दोनों मैंने इसके अंदर डाल दी है, और इनको कर दूंगा। तो इससे ये मतलब प्लांट को भी थोड़ा बहुत ऐसा फर्टिलाइज टाइप मिल जाता है। चलते हैं नीचे, तो अभी आ चुका नीचे टैंक के पास, ये हमारा फ्लावर फिश का टैंक। अब इसको देखते हैं, फीड का बॉक्स दिखाऊंगा, ये डब्बा दिखाऊंगा, देख कैसे अट्रैक्ट होती है। तो बहुत ही एक्टिव फिश है ये, सबसे बेस्ट मेरे को ये फिश लगती है, तो इसको जल्दी फीड करा देते, परेशान नहीं करते। तो इसका जो ये मैं फीड देता हूँ, ये थोड़ा मतलब जो बड़े पैलेट्स आते हैं वो देता हूँ, क्योंकि छोटे पैलेट्स में इसको परेशानी होती है खाने में, बड़े ये इजीली खा लेते हैं, तो इसको इतना फीड कराता हूँ मैं मॉर्निंग और इवनिंग में देता हूँ इसको, बाकी सबको वन टाइम ही देता हूँ, क्योंकि इसके अभी मतलब हेड की ग्रोथ थोड़ी, मैं सोच रहा हूँ इसी फीड के थ्रू थोड़ा सा हेड ग्रोथ करें। तो अभी ये भी फीड ले रही है, अब चलते हैं जो नीचे टैंक दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा विडो फिश का टैंक, इसमें सारी फिशेज ओके है, तो इनकी क्लीनिंग करूंगा अभी जो संडे आ रहा है उसको, सारी टैंक्स क्लीन करूंगा। तो इनको भी मैं फीड जो देता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये फीड है, ये वाटर हेवन के फीड है, तो इसको हम पीस के दूसरे फिश को देता हूँ, और इनको भी ये फीड देता हूँ, तो इनको भी ये फीड दे लेता हूँ पहले। तो मेरे इसमें अप्रोक्स 6 पेयर लेके आया था, उसमें से एक फिश जो है व्हाइट स्पॉट डिजीज आई थी, उसको सर्वाइव नहीं कर पाई थी, बाकी इसमें 11 फिशेज है, इनको मैं 2 पिंच जो है जो दाना डालता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तो जो है फीडिंग हो चुकी है सारे फिशेज की, इन्होंने फीडिंग ले ली है मेरे प्लांट टैंक था, और इसमें अब लाइट्स ऑन रखूंगा तो प्लांट्स देखते हैं कैसे ग्रो होगा। वैसे तो इसमें जैसे ये देख सकते हैं ग्रो होना शुरू हो चुके हैं, बट इसका मैं अपडेट दे दूंगा अभी, मतलब 3 से 4 दिन के बाद दे दूंगा अगर न्यू ग्रोथ मेरे को दिखी होगी तो। और आपको एक और चीज़ दिखानी है, मैंने इस बाउल में सोचा कि वो दो फीमेल्स है, बट इसमें जो है एक मेल था, वो फीमेल के ऊपर टैंक में ये जो जा रहा है आगे, ये मेल है। अब इसका कलर इतना डल है कि पता ही नहीं चला कि ये मेल है, तो इसको मैं जल्दी से अलग करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वापस से ब्रीड करो और इतनी मतलब कलरलेस ब्रीड निकले। तो इनको मैं अलग कर दूंगा बाद में, और बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी हो। तो अगर ऐसे ही वीडियो मैं डेली डालूँ तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अभी की वीडियो मेरी यही तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।